तुम्हारी चोरियां चोरों से कम है के। आमिर खान की फिल्म दंगल का एक डायलॉग है, मारी छुरी छोरों से कम है के। इन दिनों ये डायलॉग राजस्थान में भी अच्छा खासा छाया हुआ है और वजह है झुंझुनू के चिड़ावा की मुक्ता राव। ये वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 में टॉप किया है। आरएएस बनने से पहले वे आईटी क्षेत्र में लाखों रुपए के पैकेज की नौकरी कर रही थी, लेकिन 2015 में नेट परीक्षा में देश में तीसरी रैंक आने पर जब उनका हौसला बढ़ा तो उन्होंने पहले 2016 और फिर 2018 में आरएएस की परीक्षा दी और टॉप किया। क्या की गई थी, एक सफलता हासिल की आपने? सर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे उन सीनियर्स के, उन आईएएस टॉपर्स के जिन्होंने सफलता हासिल की थी, तो मैंने देखा कि मुझ में कौन सी कमी रह गई थी जो उनकी स्ट्रैटेजी से मैच नहीं हो रहा था। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी थी कि बहुत सारे रिसोर्सेज के बजाय लिमिटेड रिसोर्सेज हों और उनको रिपीट किया जाए। दूसरा मैंने ये देखा कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए हमारे पास कंटेंट सिर्फ इतना होना चाहिए 20-30 पेज जो हम एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज कर पाएँ, और मल्टीपल रिवीजन इज दी ओनली की कंसिस्टेंटली अगर मेहनत करते रहते तो सब सफलता मिल जाती है। वही बात करें आरएएस 2018 के रिजल्ट में 357वीं रैंक हासिल करने वाले नितेश जैन की, तो उनके और उनके परिवार के लिए ये मौका इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में ही ये उपलब्धि हासिल की है। नितेश जहां अपनी सफलता से बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, वहीं उनके परिवार में भी जश्न का माहौल है। लेकिन करीब 3 साल के इंतजार के बाद मिले इस मीठे फल को लेकर नितेश का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। जी सर, ये मेरा पहला चरण था और बहुत लंबे टाइम के बाद में इसका रिजल्ट आया। लगभग 1 साल बाद में इसका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में भी बार बार कोरोना की समस्याएं आई थी, लेकिन कम्प्लीटली फाइनल रिजल्ट आ गया और मैंने इसमें 357वीं रैंक हासिल की। अच्छा, किस तरह से आप इस सफलता का श्रेय किस किस को देंगे और क्या इसमें आपने जो टारगेट किया था, जो लक्ष्य लेकर के आप चले थे, क्या उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट रहा है या फिर आपको भी लगता है कि इसमें और भी सफलता आप आगे पा सकते थे? किस तरह की ओवरऑल पूरा सफर मैं आपसे जानना चाहूंगा इसमें। जी सर, सफर बहुत अच्छा रहा है सर, लेकिन जो लक्ष्य है वो तो टॉप 10 का या फिर नंबर 1 आने का था, लेकिन जो भी अचीव हुआ सर बहुत अच्छा रहा। लगभग 357वीं लिंक आई मेरी और मैं इसका श्रेय अपने पूरे परिवारजनों को, मित्र को और अपनी कोचिंग वगैरह को देना चाहता हूँ। 2018 का ये परिणाम आया है, साल 2018, 3 साल बीतने जा रहे हैं, किस तरह से देखते कि अगर भर्तियां सही समय पर हो सके तो उसके कारण अभ्यर्थियों को ये निराशा परेशानी नहीं उठानी पड़े, टाइमली अपनी तैयारी कर सकें? यदि अब जैसे कोई भी परीक्षा वगैरह यदि 1 साल में कंप्लीट हो जाए तो यदि किसी स्टूडेंट का नहीं होता है तो वो अवसाद में ना आके वापस तैयारी कर सके, और किसी को रैंक इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी अच्छे से कर सके। तो यदि टाइम टू टाइम भर्तियाँ हो, 1 साल में वैकेंसी निकले तो सर बहुत अच्छा रहेगा। ये इंटरव्यू किस तरह का रहा था आपको, क्या इंटरव्यू के बाद में आपको उम्मीद थी कि सिलेक्शन हो जाएगा? जी, इंटरव्यू के बाद में मुझे लगभग लग रहा था कि फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन जो इसमें मेन के जो मार्क्स आते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना रोल अदा किया है। परीक्षा में ओवरऑल बात करें, क्योंकि एक लाखों की तादाद में प्रारंभिक में अभ्यर्थी बैठते हैं और उसके बाद में मेंस में और फिर इंटरव्यू तक आपका पहुंचना, तो ओवरऑल इस पूरे चरण को किस रूप में आप देखते हैं और क्या शुरू से ही आपने डिसाइड किया था कि आप यहाँ तक इतने लंबे सफर तक पहुँच जाएंगे और उसे क्लियर कर लेंगे? जी, मैंने लगभग शुरू में जो ग्रेजुएशन के बाद में मैंने अपना पूरा मन आरएएस में आने का बना लिया था, इसलिए मैं पूरा डेडिकेशन से इसी की तरफ था और जो जर्नी थी वो बहुत अच्छी रही। इसमें कोचिंग का सपोर्ट और घर का सपोर्ट और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे इनका सबका सपोर्ट अच्छा रहा, जिससे मुझे लगभग सफलता मिली।